दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है शान और आप देख रहे हैं टेक डियर्स। और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो आपके यूट्यूब चैनल को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगी। आई नो कि आपको बहुत सारी मुश्किलें हो रही होंगी अपना यूट्यूब चैनल मैनेज करने में, जो कि आप क्रोम ब्राउज़र से मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे यूट्यूब स्टूडियो की। इस एप्लीकेशन से आप काफ़ी सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कॉमेंट्स की, एनालिटिक्स की और काफ़ी सारे वीडियोज़ की, तो चलिए इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं ये एप्लीकेशन। दोस्तों अपने चैनल को और अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए आपको YouTube Studio एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर YouTube Studio एप्लीकेशन देख सकते हैं। YouTube Studio एप्लीकेशन को यूज करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर YouTube Studio डालना पड़ेगा। आप यहाँ पर YT Studio भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर YouTube Studio आ गया है। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का लेआउट देखने के लिए मिल जाएगा। ये मेरे चैनल का लेआउट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सब्सक्राइबर देखने के लिए मिलते हैं। इसके नीचे आपको एनालिटिक्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपका वॉच टाइम आता है और यहाँ पर आपका व्यूज और यहाँ पर आपके सब्सक्राइबर चेंज, जो कि पिछले 28 दिन में हुए हैं। और इसके नीचे जो भी आपने प्रीवियस वीडियो अपलोड की है उस वीडियो की परफॉर्मेंस देखने के लिए आ जाती है। अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी वीडियोस आ रही हैं। हम यहाँ पर इसको व्यू मूव करके भी और सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर हम और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको रिसेंट कमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसका पहला पेज कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको आपका चैनल देखने के लिए मिल जाता है। ये सब जो बातें मैंने बताई ये डैशबोर्ड की बताई, ये आपका डैशबोर्ड था पूरा। तो डैशबोर्ड वाला सेक्शन ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। अगर मैं बात करूँ वीडियोस की तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन पर जब हमने टैप किया तो कुछ इस तरीके की वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर हम वीडियो को शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी मोस्ट रिसेंट वीडियो उनको हम देख सकते हैं, या फिर ऐसी वीडियोज़ जो हमारी सबसे ज़्यादा वॉच टाइम देकर गई हैं, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने देखी है उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ मोस्ट वीडियो पर, तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जो लोगों ने अच्छे तरीके से देखी हैं। और अगर हम बात करें विजिबिलिटी की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो अलग अलग प्लेलिस्ट में हो सकती हैं। यहाँ पर हमारी प्राइवेट वीडियो, अनलिस्टेड वीडियो, जो वीडियो हम स्केड्यूल कर देते हैं वो, या फिर ड्राफ्ट वाली वीडियो, ये सब हम देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लाइव वाला ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसी वीडियोस जो आपने लाइव की है तो वो सब वीडियोस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैंने अभी कोई लाइव नहीं किया है तो यहाँ पर कोई वीडियो शो नहीं कर रहा। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल रही है, तो आप इन प्लेलिस्ट को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। बात करें फोर्थ ऑप्शन की तो यहाँ पर आपको कमेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। कमेंट्स में आप देख सकते हैं कि मोस्ट रिसेंट कमेंट जो होंगे वो सबसे ऊपर आ जाएंगे। तो कमेंट्स चेक करने के लिए बस आपको स्क्रॉल डाउन करने की ज़रूरत है और आपके सारे कमेंट्स आपको एक ही जगह पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आप इन कमेंट्स को कैटेगराइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे कमेंट जो पब्लिश हो चुके हैं, या फिर ऐसे कमेंट जिनको रिव्यू करने की ज़रूरत है, जो कमेंट पोस्ट नहीं हुए, तो वो कमेंट भी आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको फिफ्थ और लास्ट पॉइंट दिखा देता हूँ। यहाँ पर है एनालिटिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी क्रिएटर के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये रियल टाइम व्यूज़ हैं। मैं इन व्यूज़ को फिल्टर करके भी देख सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि पिछले 48 घंटे में मेरे को 340 व्यूज़ मिले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम पिछले 7 डेज़ का काउंटर भी चेक कर सकते हैं, 28 डेज़ का भी, 90 डेज़ का भी और 365 डेज़ का भी, या फिर हम लाइफ टाइम का काउंटर भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महीनों के हिसाब से भी हम इस चीज़ को फिल्टर कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ लाइफ टाइम की तो आप देख सकते हैं कि कुछ इतने व्यूज़ मेरे को मिल चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रियल टाइम व्यूज़ हैं वो पिछली पब्लिश की हुई वीडियो पर कितने आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्राफ ज़्यादा है तो इस वाली वीडियो को व्यूज़ ज़्यादा मिले हुए हैं। ये वीडियो मैंने अभी अपलोड की है तो यहाँ पर इसको कम व्यूज़ मिले हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉच टाइम है, वॉच टाइम आपको हमेशा मिनट में देखने के लिए मिलता है। ये सारा डेटा अभी पिछले 28 डेज का दिखा रहा है। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पर आपको लाइफ टाइम वाला भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं 3 मिनट का वॉच टाइम मेरे को मिल चुका है। यहाँ पर आपको व्यूज़ देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखने के लिए मिल जाती है, कितनी ड्यूरेशन तक आपकी वीडियो चलती है। यहाँ पर आपका सब्सक्राइबर काउंट है। यहाँ पर आप अपने लाइक और डिसलाइक रेशियो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप टॉप वीडियोस देख सकते हैं जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा वॉच टाइम दिया है। और यहाँ पर आपको एक लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। अगर मैं किसी भी वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे हम सीधा उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे, जिससे कि हमारे वीडियो को सारा डेटा यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बात करूँ अगले सेक्शन की तो यहाँ पर आपको डिस्कवरी देखने के लिए मिल जाती है। ये इंप्रेशंस होते हैं कि आपकी वीडियो कितने लोगों के सामने से होकर गई,
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं 365 डेज का काउंटर सेट करता हूँ, तो आप देख सकते हो 134,598 बंदों के सामने से मेरी वीडियो निकल कर चली गई। जितनी भी वीडियो मैंने अब तक अपलोड की हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, इसको हम CTR भी बोल देते हैं। ये बताता है कि कितने परसेंट बंदे आपकी वीडियो पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CTR 7.8 का है। यहाँ पर आपको ट्रैफिक सोर्स दिखाता है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है आपका। तो अभी मेरे को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है YouTube सर्च से, कि लोग बाग जो सर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरी वीडियोज़ हैं, तो यहाँ पर मेरे को उससे व्यूज़ मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स जो होते हैं वो WhatsApp से है, कुछ वीडियो शेयर की जाती हैं WhatsApp पे, तो वहाँ से भी हमको व्यूज़ मिलते हैं। और आप देख सकते हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर सैमसंग M51 अनबॉक्सिंग सर्च किया गया है, जिसकी वजह से मेरे को वास्ट टाइम मिला है ओप्पो F17 Pro। और यहाँ पर कुछ ऐसी वीडियो हैं जो आपसे मिलता जुलता कंटेंट सजेस्ट करती हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके टॉप प्लेइंग लिस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये यहाँ पर ऑडियंस है, ऑडियंस वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं कि 97% मेल्स 2-3% फीमेल मेरा कंटेंट देख रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस की एज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18-24 और 25-34 वाले बंदे ज़्यादा देख रहे हैं, इससे 44 साल वाले बंदे भी मेरी वीडियोज़ को देखते हैं। और यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपका कंटेंट कौन कौन से कंट्रीज में जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया से आपको 88.6% का वॉच टाइम देखने के लिए मिल रहा है, साथ ही बांग्लादेश भी और पाकिस्तान में भी वीडियो जा रही है, और ये सबटाइटल्स के लिए हैं। और यहाँ पर आपको इंटरेक्टिव कंटेंट की टैब देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पर आपकी प्लेलिस्ट भी देखने के लिए मिल जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा और आपके काफ़ी सारे डाउट भी क्लियर हुए होंगे, तो आप मुझे कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। सी यू सून, टेक केयर, बाय।